हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायंफ मंत्रा। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर टू के आए हुए। और एक्चुअल में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी होता है कि उससे एक आइडिया मिलता है हम लोगों को किस तरीके से हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। ए सम ऑफ 5000 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 whole 1/5 years एट 6 whole 2/3% पर एनम इज डबल द टाइम इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 2 whole 3/4 years एट 4% पर एनम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। ये कह रहा है कि 5000 रुपए की राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है और पहले भाग पर 4 सही 1/5 साल में 6 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से जो साधारण ब्याज मिलेगी, वो दूसरा भाग जो है उस पर जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में जो ब्याज मिलेगी उससे दोगुनी है। तो दोनों भागों में अंतर क्या है? तो देखो, पहले दो तीन चीजें समझ लो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होती है, यानी कि साधारण ब्याज जो होती है हमारी, इस सिंपल इंटरेस्ट जो होती है यानी कि साधारण ब्याज जो है ये हर साल एक जैसी रहती है। मान लो अगर मुझे साधारण ब्याज की दर जो हमें मिलती है 10% पर एनम या वार्षिक, ठीक है, और ये मुझे 3 साल के लिए मिली 3 years, तो इसका मतलब है कुल इंटरेस्ट जो हमें मिलेगी, टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगी हमें, जो कुल ब्याज मिलेगी वो क्या होगी? रेट इनटू टाइम, यानी कि दर गुणा समय। तो दर है हमारी 10% की और समय हमारा 3 साल का, तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलेगी वो हमें कितनी मिल जाएगी? 30%। कितनी मिल जाएगी? 30%। तो ये जो ब्याज मिलती है इसी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, क्या करना है हम लोगों को, समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि 5000 रुपए हैं, ठीक है भाई, टोटल मैंने कहा भाई 5000 रुपए हमारे पास थे, 5000 रुपए को दो पार्ट ए और बी में मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, ए और बी में मैंने कर दिया डिवाइड। देखो कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट पर 4 सही 1/5 साल यानी कि 5 × 2 = 10 और 1 = 20 और 1 = 21, 21/5 साल और गुणा 6 सही 2/3 कितना होगा? 3 × 6 = 18 और 2 20/3%। जो ब्याज है वो दोगुनी है जो पार्ट बी पर हमें मिलेगी, और पार्ट बी पर कितनी मिलती है? 2 सही 3/4 यानी कि 11/4 गुणा में 4%। ठीक है भाई, कर ले उसको सॉल्व। 5 × 4 = 20 और 3 × 7 = 21 और 2 × 4 और 2 × 4 और 2 × 4 कर दें इसको, यानी कि 14a बराबर जो आएगा वो 11b आ जाएगा। तो ए और बी का जो रेशियो यहां से मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 11/14, और 11 और 14 को दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 5000। अब पूछ रहा है क्या डिफरेंस इनका। तो देखो, 11 + 14 यानी कि ये होता है 25। ठीक है, कितना होता है? 25 होता है। तो 25 की वैल्यू तो दे रखी है 5000। ठीक है, और पूछ कह रहा है इनका डिफरेंस। तो 14 का और 11 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? 3। 3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 600 रुपए आ जाना चाहिए आंसर। तो 5000 डिवाइड बाई 25 गुणा में कर दो 3, तो 25 × 50 और 3 × 6 यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 600 रुपए। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 600 रुपए। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस साधारण ब्याज का थोड़ा सा नियम याद रख लेना कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होती है P × R × T/100 होती है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। इसमें एक चीज और होती है कि जैसे हमें ब्याज की दर होती है, जो जैसे मान लो 20% है, अगर 20% ब्याज की दर हमको मिलती है तो, और टाइम हमें दे रखा है मान लो 5 साल दे रखा है, 5 years, टोटल ब्याज जो होती है, जो ब्याज जो टोटल हमको मिलती है वो क्या होती है? दर गुणा समय। ये बस थोड़ी चीज आपको समझनी है, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस अलग होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में यही होता है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज्ड
by 16% and then increased by 14%, and the number so obtained is now decreased by 30%. What is the net increase or decrease percentage in the original number nearest to an integer? देखो ये क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया जाता है, फिर 14% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 30% कम कर दिया जाता है, तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है, निकटतम निकालना है। तो देखो ये सक्सेसिव परसेंटेज है, क्या है ये, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, ये क्या है हमारा, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है ये, प्रतिशत परिवर्तन, और इंग्लिश वाले समझ लेना ये क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो मैं कुछ दो तीन महत्वपूर्ण चीजें यहां बता रहा हूं, उनको ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, इनको मैंने पहले 20% बढ़ाया और फिर इनको मैंने 10% से किया कम और फिर से मैंने इनको 20% बढ़ाया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के होते हैं। तो देखो या तो सीधे सीधे सॉल्व कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो जैसे ये है 100 रुपए, इसको पहले 20% बढ़ाना है, तो 100 में कितने की वृद्धि करोगे, 20 की, तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 120। 10% कम करोगे तो कितना कम कर दोगे, 12 कम कर दोगे, इसमें से 120 में से 12 कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 108 में फिर से 20% बढ़ाना है, तो 108 का 10% हो जाएगा 10.8 इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो 21.6 यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। अब इन तीनों को एड कर लो भाई, 20 था माइनस 12 था और प्लस 21.6 था, यानी कि 41.6 में से 12 निकाल देना, तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ पर 9 मिल जाएगा, यहाँ से 29.6% की जो है वो वृद्धि हो जाएगी ओवरऑल अगर हम देखेंगे। तो थोड़ा समझना ध्यान से बात को, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 20% बढ़े पहले, तो यहाँ पे 100 में प्लस 20 हो जाने वाले हैं, 20% 3 120 का 10% बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, कम होगा, सॉरी 12 कम हो जाएगा, 120 में से 12 चले जाएंगे, 108 बच जाएंगे, फिर कितना 20% बढ़ा दो इसका, तो एक ही नंबर को पहले घटा रहे हो, फिर घटा रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, फिर घटा रहे हो, इस तरीके से एक ही नंबर चल रहा है। तो सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है कि एक ही वैल्यू जो होती है उसको बार बार बढ़ाते घटाते हैं, उसी के आधार पर चलती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आ जाओ, तो मेरे मैं देखो या तो 100 रुपए लेके कर लेते हैं, चलो मान लो हमारे पास 100 रुपए है भाई, ठीक है, हमारे पास है 100 रुपए, ध्यान से समझना बात को, 100 रुपए मेरे पास है, तो पहले बढ़ाया 16%, फिर इसको बढ़ाएंगे हम 14%, फिर इसको कम करना है 30%। तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, अगर ये क्रम की बात मैं करूं, इनका जो सीक्वेंस होता है, जैसे 16% बढ़ाना, 14% बढ़ाना, फिर 30% घटाना, इस क्रम को आप चेंज कर सकते हो, यानी कि मैं देखो कैसे लिख सकता हूं इसको, 100 रुपए मेरे पास है, 100 रुपए को पहले मैं 30% कम कर सकता हूं, यानी कि 100 में से 30 कम हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगर 100 में से 30 कम हो तो हमारे पास बचेंगे 70 में 16% बढ़ा लो। अब देखो इसको कैलकुलेट करना कितना आसान होता है बताता हूँ। देखो 16% जो होता है वो होता है 10% प्लस 6% होता है, तो भाई 70 का 10%, अब 70 का मुझे 16% चाहिए, 70 का 16% चाहिए, तो 10% निकालो पहले, 70 का 10% होगा 7, अगर 10% आएगा 7 तो 1% होगा 0.7 और 6% हो जाएगा 0.7 × 6 यानी कि 4.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.2। अब एक बार मैं लिख रहा हूँ इसको पूरा डिटेल में 11.2, आगे से हम जल्दी कर लेंगे इसको, अभी आ जाएगा 81.2 बढ़ाए, उसके बाद बढ़ाया ये 14%, कितना बढ़ाया 14%। अब देखो भाई 81.2 है, 81.2 है, इसका 10% कितना होगा गाइस, 8.12 होगा कि नहीं होगा, और 1% इसका, 81.2 का 1% अगर मैं निकालू तो वो होगा 8.812 हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, इतना 10% तो 8.12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से बस, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 32, तो ये कितना हो जाएगा 3.248, तो इसमें इतना और ऐड कर लो 3.248 और ऐड कर लो इसके अंदर 8.63, 11 point, इतना और प्लस हो रहा है 11.368। अगर तुम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो 7% के आसपास हमको लग रहा है ये आने वाला है, ठीक है, बाकी जो है सो है।
लेकिन 4% के आसपास मुझे लग रहा है ये आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऐड करके, ये कितना आ रहा है 11.2 और 11.368 है, ये कितना बैठ रहा है हमारा 22.568 बैठ रहा है, 7.5 के आसपास आ रहा है क्योंकि ये माइनस के 30 है, तो आंसर तो 7% डिक्रीज आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया इसलिए इतना टाइम लगा है, बाकी इसको कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, इसको सीधा अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको बहुत ही कम टाइम इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, 100 मेरे पास थे, 100 में से अगर मैं 30% कम करता तो मुझे मिल जाते 70 या माइनस 30 हो जाता, 70 में अगर 16% में बढ़ाता तो मेंटली कैलकुलेट करता 10% होता है 7 और 1% 0.7, तो 7 में 4.2 और मैं ऐड करता तो यहाँ पे मुझे ऐड करने होते 11.2, इसमें फिर मैं इसका बढ़ाता 14%, 81.2 हो चुका होता है, तो 8.12 तो सीधा 10% हो जाता तो, और 0.812 को मल्टीप्लाई करता 4 से, दिया जाता 3.248 ये हमें मिल जाता, यानी कि 11.368 ये मिल जाता अपने को। और यहां से सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई 11, 11, 22, 20, 22 point something है, ये 30 है, तो 7% की अप्रोक्स हमारी वैल्यू हमको मिल जाती है क्योंकि हमें अप्रोक्स में वैल्यू बतानी थी। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या कहते हैं, राधिका मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, सी सेल्स 35% ऑफ गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस, 40% एट 15% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट, व्हाट इज हर ओवरऑल परसेंटेज गेन। अब ये कह रहा है कि राधा ने कोई वस्तु है उसके ऊपर 25% ज्यादा अंकित मूल्य किया, चिन्हित मूल्य जो है 25% ज्यादा चिन्हित करती है, और अंकित मूल्य जो चिन्हित मूल्य को अंकित मूल्य बोलते हैं गाइस, अंकित मूल्य होता है ये, अंकित मूल्य पर 35% सामान बेचती है, 40% 15% की छूट पर और शेष 20% की छूट पर बेचती है, तो उसका समग्र प्रतिशत लाभ क्या है, ओवरऑल परसेंटेज गेन कितना होगा उसका। तो देखो एक तरीका क्या है कि मैंने मान लिया टोटल गुड्स, कुल वस्तुएं जो हैं वो मान लो 100, और इनका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस जो है वो भी मान लो कितना 100, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस मिला मुझे वो मिलेगा 100 × 100, कितना मिल जाएगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए की हमारी वस्तु है, इन पर मैंने 25% बढ़ा के रखना है, यानी कि 100 रुपए की चीज पर मुझे 25% बढ़ा के प्राइस रखना है, और मुझे वो वस्तु कितने की बेचनी है 125 की, ये क्या बनेगा हमारा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 35% गुड्स यानी कि 35 जो गुड्स है उनको मार्क प्राइस पे बेका यानी कि 125 पर बेका, तो 35 × 125 पर लेना, 35 × 5 = 175 होते हैं, 35 × 87 = 4375, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखो बची कितनी 40%, तो 40% जो बची वो किस हिसाब से है, 100 के हिसाब से है, सॉरी 125 उन पे प्राइस पड़ा हुआ है, 40 जो गुड्स है उनका मार्क प्राइस कितना है 125, अब देखो उस पर डिस्काउंट कितना देना है तुमको, 15% की छूट देनी है भाई, 15% की छूट देने का मतलब 85% पे बेच दोगे इसको। ठीक है, 25 × 125, 25 × 100, 4 × 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 × 25, 5 × 48 = 42, यानी कि 4250 रुपए की ये चली जाएंगी। ठीक है, शेष कितनी बच गई देखो, 35% यहाँ यूज कर ली, 40 यहाँ यूज कर ली, 35 और 40 होती 75 बची 25, तो 25 बची उन पर प्राइस तो पड़ा है 125, लेकिन छूट कितनी दे रहे हो उन पे 20% की, तो वो भी अपने आपकी कितनी रह जाएंगी 80% रह जाएंगी, 25 × 100 और 4 × 2 होते हैं 8 और 125 × 2 हो जाते हैं 250, यानी कि 2500 रुपए की ये हो जाएगी। इन तीनों को ऐड कर लो बस, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, 4375 4250 और 2500 ये प्राइस है, तो इनको ऐड कर लो, 5 2 2 लग जाएंगे 1 11 11125, यानी कि ओवरऑल जो फायदा हो रहा है मुझे उसमें से, इसमें से 10,000 को निकाल देंगे तो वैसे तो आंसर देखो ये आ गया इसका 11.25%, फायदा आपको कितना हो रहा है 1125 रुपए का। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो आंसर आपको दिख ही जाएगा सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 1125 का फायदा 10,000 पर है तो 100 पर कितना होगा यही चेक करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 11.25%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे बताओ,
समझ में आ गया होगा तो कॉन्सेप्ट, नहीं तो मैं बताया था थोड़ा सा, देखो समझो। सीपी जो होता है हमारा, सीपी पर कुछ पैसा बढ़ा दिया जाता है तो बनता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो बनता है सेलिंग प्राइस। सीपी हमारा होता है क्रय मूल्य, ये हमारा होता है अंकित मूल्य, और ये हमारा होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25% देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी आई थी तब उसकी बिक्री में एक्स परसेंट की वृद्धि हुई थी, यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो वस्तु का मूल्य क्या है। देखो पहले कुछ चीजें समझना ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि मुझे, मैंने किसी वस्तु का जो प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। यानी कि मूल्य गुणा मात्रा, जितनी मात्रा या खपत बोल सकते हैं, कुछ जगह खपत भी होती है, और ये रेवेन्यू यानी कि कमाई या आय बोल सकते हो आप इसको, या इसको राजस्व भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से रहता है, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू। इस तरीके से मान लो पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आर इज आ जाता है, पी क्यू आर वाला फॉर्मेट है। तो इसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो देखो करने के कई तरीके हैं, एक तरीका दिखाता हूं पहले। 25% है तो देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर आता है रेवेन्यू। ठीक है, 25% रिड्यूस होगा प्राइस। तो गाइस आप सब लोग जानते हो 25% होता है 1/4, यानी कि 4 में 1 की कमी आई तो कितना हो गया, 3 रह गया प्राइस। क्वांटिटी तुम्हारे मन की इच्छा है, मान लो 10 थी पहले, आज की मुझे निकालनी है वैल्यू कितनी है। रेवेन्यू पहले कितना होता था भाई, 40 रुपए हो जाता था 4 × 10। अब रेवेन्यू कितना, 20% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वृद्धि कितने की हुई है, 20% की। तो 20% अगर 20% इसमें ऐड करोगे तो देखो 40 का 10% होगा 4 और 20% होगा इसका 8, यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं हमको, 48 रुपए। तो 3x की वैल्यू भाई 48 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 16, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16, तो आंसर तो आ गया 60% सीधा सीधा। 10 से वैल्यू कहाँ जा रही है, 16, कितने का इंक्रीमेंट है 6 का, तो 6 का इंक्रीमेंट है 10 पे, तो 100 पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, सीधा आंसर कितना आ जाएगा 60%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 60%। तो ये तो आ गया हमारा इसमें छोटा सा आंसर। अब देखो एक और तरीका आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा समझना ध्यान से। देखो मुझे क्वांटिटी पे चेंज चाहिए, क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन पी, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आर है तो क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन पी लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ इस बात को, सभी लोग सोच समझ के बोलो हाँ लिखा जा सकता है। तो राजस्व कितना बढ़ा भाई, 20%। 20% आप सब जानते हो, 20% जो होता है वो होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि होगी तो वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, 6 पे। और प्राइस कितना कम हुआ है, 25% की कमी आई है, तो 25% होता है 1/4, तो 4 से वैल्यू में 1 की अगर कमी कर दो तो कहाँ पहुंचेगी भाई, 3 पे पहुंचेगी। यानी कि जो जो मुझे रेशियो मिला वो 5/4 to 6/3 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, जो भी चेंज आएगा। 15 से वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, 24 पे, यानी कि 3 × 15 और 3 × 8 = 24, कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 3 की, कितने पर, 5 पर। तो 3/5 कितना होता है, 60%, कितना होता है, 60% होता है। तो ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है ना, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका होता है, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो, ये भी अच्छा तरीका है, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही तरीके आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो क्या कह रहा है, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। देखो भाई एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें कुल मतदाताओं से में से 55% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, और जो पुरुष हैं उनमें से 40% पुरुष निरक्षर हैं, निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे लोग, और 40% महिलाएं जो हैं, महिलाओं में से 40% साक्षर हैं यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। देखो वोटिंग पे अभी से क्वेश्चन आते नहीं थे, अभी इस तरह क्वेश्चन बहुत दिन के बाद आया है ना, समझो। मान लो टोटल निर्वाचन आयोग में जो है, जो निर्वाचन में जो वोटर है, टोटल वोटर्स जो है, मतदाता मतदाता जो है
उनको मान लो कितने 100, ठीक है, 55% यानी कि 55 तो हो गए मेल, हाँ भाई समझ रहे हो, यानी कि पुरुष, और 45 जो है वो हो गए फीमेल यानी कि महिलाएं, 55 पुरुष हो गए 45 महिला होगी। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 40% पुरुष निरक्षर है, तो देखो भाई इसका 40% तो निरक्षर है और 60% क्या होंगे भाई, साक्षर होंगे कि नहीं होंगे बताओ, ठीक है ऐसे लिख लिया मैंने फिलहाल, है ना। अब महिलाओं में और देख लो एक बार, क्या कह रहा है, 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो 40% तो हैं साक्षर, 60% क्या होंगी, निरक्षर होंगी। देखो निरक्षर है इलिटरेट और साक्षर होता है लिटरेट, ठीक है, इलिटरेट और लिटरेट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, तो साक्षर पुरुष देख लो कितने, 60% निकालना है कितने का, 55 का, तो 55 का 60% होता है 3/5, हो गया इजीली सॉल्व, कितने आ गए 33, और महिलाएं साक्षर कितनी है 40%, तो 45 का 40% निकाल लो, 45 का 40% होता है 2/5, 5 निम्मा 45, सॉरी निरक्षर महिलाओं का निकालना है, तो निरक्षर महिलाओं को निकाल लेते हैं, निरक्षर महिलाएं कितनी है 60%, तो 45 का 3/5 निकाल लो, कितनी आ गई 27, पूछता है 27 जो है वो 33 से कितना कम है, 33 और 27 में डिफरेंस कितने का है भाई, 6 का, मल्टीप्लाई कर लेना भाई 100 से, 3 × 6 और 3 × 27, 2/9 जो होता है तो उसको बोलते हैं भाई सही 2/9%, ठीक है 200/9 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, देखो समझ लेना भाई ध्यान से कैसे लिखा मैंने डायरेक्टली, 100/9 11 whole 1/9% होता है, ठीक है, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइड में तो ये हो जाएगा 200/9, 200/9 होता है 22 सही 2/9%, कितना होता है 22 सही 2/9%, इसी के आधार पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि 2/9 जो होगा वो कितना जाएगा 22 सही 2/9%, आपको परसेंटेज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए तभी आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।